सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। आज विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस है। सिजोफ्रेनिया ऐसी मानसिक बीमारी है जो आत्महत्या का कारण बन जाती है। एक अध्ययन के अनुसार सिजोफ्रेनिया की चपेट में आने वाले ज्यादातर युवा होते हैं। अपना परिचय, मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, मेडिकल एसोसिएशन ऑफ होम्योपैथी इंडिया का नेशनल कोऑर्डिनेटर, साइको काउंसलिंग स्पेशलिस्ट, होम्यो डायबिटोलॉजिस्ट एंड थायराइड स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए तो सर आज विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस है, सर वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया डे, तो जहाँ तक सर अब हम लोग तो चूँकि इसके बारे में विस्तृत जानते नहीं हैं और इतना सुनते हैं समझते हैं कि ये कुछ मानसिक रूप से चीज़ों को इफेक्ट करता है, तो सर मैं जानना चाहता था कि सर सिजोफ्रेनिया क्या है और कैसा डिजीज़ है और सर आपके होम्योपैथिक में इसका क्या उपचार है। जो सर सिजोफ्रेनिया जो है एक मानसिक बीमारी है। यह मानसिक बीमारी ज़्यादातर किशोरावस्था से लेकर वयस्कता तक, मतलब लगभग मान के चलिए 16 से 30 वर्ष की आयु में ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करता है या शुरू होता है। ये इसके बाद ये अदर साइंस, मेडिकल साइंस के द्वारा ये माना जाता है आजीवन इसकी दवा चलती रहती है और यह विश्व की आबादी का 1% इससे लोग सफर करते हैं। यह बीमारी मानसिक बीमारी जैसा कि मैं बताया ही, इसमें भ्रम, मति भ्रम या ऐसी अवस्थाएं होती हैं कि आदमी का विचार जो है ऐसा होता है जो देखने में कुछ कहीं नहीं दिखता लेकिन वो विचार से उसी पे अडिग रहता है कि नहीं ऐसा हो रहा है। जैसे बार 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 किसी आदमी की आवाज़ सुनना, बार बार किसी जानवर की आवाज़ सुनना, बार बार कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुनना या कुछ ऐसी चीज़ें देखना जो वास्तविकता में नहीं है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति के कारण होता है। पहला तो कारण है कि अनुमानसिक भी कभी कभी होता है। दूसरा कारण है कि हमारे ब्रेन को कंट्रोल करना, ब्रेन से कुछ रसायन जो है डिस्चार्ज होते हैं जैसे डोपामीन, ऐसे जो रसायन हैं वो आपको खुशी के देते हैं, लेकिन अगर जब उसकी कमी होती है तो वो जो है अलग, अगर हमारे दिमाग को अलग परिवर्तित करते हैं और इस तरह के मति भ्रम की अवस्था उत्पन्न होती है। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए तो क्या सर ये बीमारी अनुवांशिक होती है? क्योंकि हाँ सर, पेरेंट्स से लेकर हद तक अनुवांशिक भी होती है जी। इसके साथ साथ ये बीमारी जो है, जैसा मैं अभी कहा कि रसायनों का सेपरेशन कम होना, डोपामिन का कम होना, इस तरह के रसायनों का जो है कम होना भी इस बीमारी को पैदा करता है। साथ में हम उन बच्चों में भी देखा जाता है जो प्रेगनेंसी के दौरान मदर कुपोषित रही जी, कुपोषण के कारण उनका ब्रेन लेवल चेंज हो जाता है बच्चे का और आने वाले कल में उनको भी ये बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए तो सर अगर सिजोफ्रेनिया अगर मान लीजिए किसी को हो गया है तो वो प्रारंभिक उपचार में सर क्या कर सकता है? एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, जस्ट लाइक सर? सर मैंने तो बहुत ऐसे रोगियों को देखा है जो 4 साल 5 साल 6 साल इलाज करके हम लोगों के यहाँ होम्योपैथ में हमारे यहाँ आए हैं और आज 4-5 सालों से उनकी दवा छूट गई है, कोई दवा नहीं खा रहे हैं और होम्योपैथिक से उनको पूर्णतया लाभ है। आज वो लोग बहुत सारे सिजोफ्रेनिया या मेंटल से संबंधित रोगियों को हमारे यहाँ भेजते हैं कि जाओ हम वहाँ ठीक हो गए हैं, आपको कहीं और नहीं जाना है, वहाँ जाके ठीक हो सकते हैं। इसमें बहुत सारी होम्योपैथिक दवाएँ हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं और होम्योपैथिक तो एक तरह से कह लीजिए वो मेंटल पे पूरा डिपेंड ही है। मानसिक लक्षणों, किसी भी बीमारी को ले लीजिए, उसके मानसिक लक्षणों को लेकर के होम्योपैथिक इलाज ही करता है, तो इसलिए उसमें कहीं सोचना नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए सर जो व्यक्ति में मान लीजिए सिजोफ्रेनिया के लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो प्रारंभिक उपचार आपके हिसाब से क्या करें? प्रारंभिक उपचार वो होम्योपैथिक में, अगर प्रारंभिक अवस्था में होम्योपैथिक में आ जाते हैं
तो वो सिजोफ्रेनिया समूल उनका नष्ट हो जाएगा और वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके समय।